बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी की सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल में डाल दिए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए नकवी ने कहा है कि जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा, ये कांग्रेस की सरकार नहीं, जो गलत करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। वही कांग्रेस की मॉब लिंचिंग पर सरकार को घेरने पर उन्होंने कहा है कि झूठ का झुंझुना बजाकर कोई राजनीति नहीं कर सकता, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नकवी ने प्रियंका गांधी के कश्मीर पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य है, सभी कश्मीर को लेकर पॉजिटिव सोचे, भ्रम पैदा ना करें। वो कांग्रेस पार्टी जो है वो जो करप्शन है उस करप्शन को भी क्रांति में बदलने की माहिर पार्टी है। अब वो चाहते हैं कि जो जिस तरह से उनके समय में जनधन की लूट को 100% छूट थी वो मोदी जी के समय में हो जाए, तो वो तो संभव है नहीं। जो लूट करेगा उसको जो है वो उसकी जगह उसको जाना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है इस पर कोई आरोप, इसके ऊपर कोई प्रत्यारोप करे तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कांग्रेस के लीडर्स या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो करप्शन से कितने करीब हैं और कितने जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के लिए बनी हुई है।